झगड़ालो बहुए कहानी का तीसरा भाग। सुमति अपनी बहू और बेटों से कुछ नहीं चाहती थी और वो अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहती थी, लेकिन ये भी उसके बेटे और बहुओं को पसंद नहीं था। उन सभी लोगों को यही लगता था कि अगर सुमति ऐसे कुछ काम करके अपना जीवन बिताएगी तो उससे उनकी इज्जत को खतरा होगा और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसे ही सुमति को उसके बहू और बेटे बैठकर समझाने की कोशिश कर रहे थे और सुमति चुपचाप बैठे उन सारे लोगों की बातें सुन रही थी। आखिर सारे लोगों ने अपनी बात खत्म करके ये फैसला लिया कि सुमति को वो ओल्ड एज होम में भिजवा देंगे। गांव में सारे लोग यही कह रहे हैं कि पिताजी के जाने के बाद हम आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। आप अपना पेट भरने के लिए पता नहीं कैसे कैसे काम करके अपना जीवन बिता रही है। गांव में सारे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन उनको ये क्या पता कि तुम्हें खुद हमारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत अच्छे, जो कि आज आपने अपनी माँ के सामने अपना मुंह खोला है, वरना इनको तो हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। इसीलिए तो कभी किसी के पास आने के लिए आती ही नहीं, बहुत जिद करती हैं ये तो। हाँ वही तो, अब ये घर तो इन्हीं के नाम पे है ना। मरते दम तक इसी घर में रह जाऊंगी यही सोचकर ये सब ड्रामा कर रही है। अगर ये घर ही नहीं होता तो ये तो जैसा हम कहते वैसे ही सुनकर पड़ी रहती थी। हाँ सच ही तो है, कितने सारे बूढ़े लोगों को नहीं देखा है हमने। सारे लोग अपने बच्चों की बात ही मानते हैं। एक ये है जो कि अपने बच्चों की कोई बात नहीं मानती। अब इस उम्र में इनको इतना जिद्दी बनने की क्या जरूरत थी। अरे बाबा, कब तक चलती रहेगी ये सब नौटंकी। मुझे तो ब्यूटी पार्लर भी जाना था। मुझे फोन आ गया था जिससे मैं जल्दा जल्दी यहाँ पर आ गई थी। अब जल्दी कोई फैसला भी ले लीजिए ना, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। देखो माँ, ये सब झगड़ा बगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी है वो बोल दो ना माँ। अरे उनके मन में क्या होगा, जरूर यही होगा कि पिताजी के जाने के बाद उनकी यादों के सहारे से वो इसी घर में जिंदगी काट लेगी। अब हम सब अलग अलग बातें करते रहेंगे तो ये झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर कोई एक ऐसा फैसला ले ले इससे किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अब बार बार हम अपने काम सब छोड़कर ऐसे आ तो नहीं सकते ना। माँ का ऐसे दुकान लगाकर कोई काम करना यही समस्या है ना हमारी। तो आज के बाद माँ ऐसा कुछ मत करो, जितना भी पैसा तुम्हारे लिए खर्च होगा वो सब हम तुम्हें भिजवा देंगे। तुम यही रहना चाहती हो या फिर हमारे साथ आना चाहती हो, इसका फैसला तुम खुद करो माँ। अरे फिर से हमारे पास आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही रहेगा तो किसी न किसी बात पे झगड़ा होता ही रहेगा। इन सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम इनको ओल्ड एज होम में भेज देंगे तो। हाँ मुझे भी यही ठीक लग रहा है। अरे हाँ, हम सबको यही ठीक लगता है। इस तरह वो सारे लोग सुमति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे और सबने मिलकर ये फैसला ले लिया था कि उसको वृद्धाश्रम भेज देंगे। फिर सुमति ने सोचा कि अब उसके बोलने का वक्त आ गया है। आप सारे लोगों को मेरी बहुत फिक्र है, मैं मेहनत करके जी नहीं सकती क्योंकि गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, और मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे खुद तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। क्यों बेटी दिव्या, यही कहना चाहती थी ना तुम। बहुत ठीक समझा बेटा तुम लोगों ने मुझे। यहाँ मैं अपने घर में अकेली ही मेहनत नहीं कर सकती, लेकिन ओल्ड एज होम में जाकर अकेली जिंदगी बिता सकती हूँ, यही कहना चाहती थी ना बेटी प्रिया। और राजू, क्या कहा था तूने कि मेरे बारे में कोई बात करने या मेरा कोई फैसला लेने में तेरा वक्त बर्बाद हो जाता है। अरे एक बार सोच राजू,
कि अगर जैसा तू मुझसे प्यार करता है वैसे ही अगर बचपन में मैं भी तुझसे प्यार करती थी तो आज तेरी परिस्थिति कैसी होती थी। देखा आप लोगों ने कि इनके दिल में तो कितना जहर भरा पड़ा है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे कि इन्होंने ही बच्चों को जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे अरे नहीं बेटी, तुमने भी तो दो दो बेटों को जन्म दिया है ना। अपने बेटों को अभी से सिखा दो कि जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें भी ऐसे ही वृद्धाश्रम में भिजवा दे। तुम ही क्यों बल्कि सारे लोग अपने अपने बच्चों को यही सिखाना। अरे माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, परिस्थिति को समझने की कोशिश करो ना माँ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हमारे दिलों में तुम्हारे लिए कोई प्यार ही नहीं है। हम चारों भाइयों की परवरिश तुमने कैसे की थी ये हमको भी पता है ना माँ। क्यों राजू, तेरे पिताजी खेती का काम करते थे, बहुत मेहनत करके तुझे हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन तूने जब कहा कि तू हमारे गांव में नहीं बल्कि शहर में पढ़ना चाहता है तो तेरे लिए वो बैलगाड़ी चलाते थे, इतना दूर ले जाते थे और फिर घर भी वापस लाते थे, और आज देख तेरे पास अपने माँ से बात करने के लिए एक 5 मिनट का समय भी नहीं है। तुम सब लोगों की हमने शादी करवा दी थी लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं समझी थी और अपने आखिरी दम तक हमने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, और आज देखो तुम्हारी जिंदगी में हमारा कोई नाम नहीं, बस हमारी पत्नी हमारे बच्चे करते करते तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने तुम चारों को जन्म दिया है और तुम चारों मिलकर मुझे 3-3 महीने बांट लिया था। अगर मैं 10 बच्चों को जन्म देती तो 1 महीना पूरा होने से पहले ही मुझे अपने घर से निकाल देते थे क्या। सास की कही सारी बातें सुनकर बहुएं तो सब चुप ही बैठ गई थी, वो लोग कुछ नहीं कह पाई थी। सुमति एक बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, हर एक से बहुत प्यार करती थी और बहुत ही प्यार से पेश आया करती थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। लेकिन ऐसी औरत का उसके बच्चों ने ही साथ नहीं दिया था और एक मुजरिम की तरह बैठा कर अजीब अजीब से सवालात पूछ रहे थे, जिसका सुमति को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, जिससे सुमति बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और अपने मन में जो बोझ और तकलीफ वो सह रही थी वो सब कुछ अपने बेटों को बताती है, जिससे उसके सारे ही बेटे चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर बैठे हुए थे। मैं ये नहीं कहती कि अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार नहीं करे, अगर ऐसा चाहती तो तुम लोगों की शादियां ही क्यों करती थी। तुम भाइयों के बीच में कोई प्यार ही नहीं है, सब लोग यही कहते हैं कि मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरी पत्नी, सबकी सोच बस यहीं पर रुक जाती है। वैसे भी मैं भी पगला गई हूँ जो ये सोच रही हूँ कि तुम सब लड़कों जैसे नहीं हो। अब सारी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, इसीलिए तो दुनिया में इतने सारे वृद्धाश्रम बन गए हैं। मैं अकेली ही ऐसी औरत नहीं हूँ, मुझ जैसे और बहुत सारी औरतें भी और बहुत सारे लोग भी होते होंगे जो कि ऐसे ही अकेले बच गए होंगे या फिर अकेले ही अनाथ बनकर अनाथ जीते होंगे और अनाथ ही मरते होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मैं खुश नसीब ही हूँ जो कि मेरे बारे में सोचने के लिए तुम सब लोग मिलकर मेरे घर आ गए थे। अरे माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। अरे नहीं बेटा, अगर ऐसा करूंगी तो तुम्हारी पत्नी ये कहेगी कि इसी को हासिल करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था।
अब ये सब कुछ सुनकर सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है बेटा। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं कह दूंगी। और हाँ बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इस घर के भी चार हिस्से करना और आपस में बांट लेना बेटा। अब जल्दी निकलो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। इतना कहकर सुमति ने अपना फैसला उन लोगों को बता दिया था। उनसे कहा था कि आज के बाद उसकी जिंदगी में वो कभी ना आए और अपनी जिंदगियों में वो सारे लोग खुश रहे। सुमति की कहीं ये बातें सुनकर बहुओं को ये लगा था कि ये तो बूढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये बुढ़िया सठिया गई है। ये कहकर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमति के बेटों को उस वक्त अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ था, लेकिन वो लोग अपनी जिंदगियों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जिसकी वजह से अपनी माँ के बारे में सोचने का भी उनके पास वक्त नहीं था। और कुछ ही दिनों में वो फिर से वो सारी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। और इधर सुमति अपने उसी घर में पति की यादों के साथ अकेले ही रह गई थी। इस कहानी में सुमति का दुख सिर्फ एक सुमति का ही नहीं, बल्कि सुमति जैसी बहुत सी माएं और ऐसे ही बहुत से पिताओं का, किसी के नाना नानी तो किसी के दादा दादी, जो के ऐसे ही वृद्धाश्रमों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उनको तो घर की बहुत याद आती होगी, लेकिन उनके बच्चों के पास उनका ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिलता। इस कहानी देखने वाले सारे लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनकी इज्जत करें और उनको प्यार दे, क्योंकि उस उम्र में उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ हमारे प्यार और हमारे साथ की है। तो चलिए आज हम अपने आप से ये वादा करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हम पूरा ख्याल रखेंगे, उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं करेंगे।